नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम कुशवाहा। मध्य प्रदेश सरकार अब अग्निवीर जवानों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता देगी। बता दें कि केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अग्निपथ योजना में अग्निवीर योजना के तहत सेना में काम करने वाले जवानों को मध्य प्रदेश पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवाओं को सेना से जोड़ने और देश की सुरक्षा के लिए शुरू हो रही इस योजना के तहत 45,000 नौजवानों को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, साथ ही रोजगार भी मिलेगा। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत सेना से जवानों को जोड़ने वाली इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से आभार दिया, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी बधाई दी। देशवासियों का अभिमान है, सेना के जवान हमारी हीरो हैं, रोल मॉडल हैं। युवाओं को भारतीय सेना से जोड़ने, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने और भारत माता की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए आज अग्निपथ योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। सेना से जवानों को जोड़ने की यह अद्भुत योजना है और इस योजना के लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, रक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस सेवा के माध्यम से न केवल हम भारत माता की सीमाओं की रक्षा करेंगे बल्कि 45,000 नौजवानों को देश की सेवा के अवसर के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। मैं युवाओं को आह्वान करता हूं, वे सेवा के अंतर्गत भर्ती के लिए आगे आए, परीक्षा दें, सफल हों, देश की सीमाओं की सुरक्षा करें, अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। 4 साल के बाद ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा, उन अग्निवीरों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में भी हम प्राथमिकता देंगे। अब अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए कौन पात्र होगा और क्या सैलरी होगी, क्या सुविधाएं युवाओं को मिलेगी, ये भी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बता देते हैं। तो कौन बन सकेगा अग्निवीर, ये सबसे पहला सवाल है। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए युवाओं की आयु 17 साल 6 महीने से 21 साल होना जरूरी है। युवाओं को ट्रेनिंग पीरियड जो है कुल 4 वर्ष का होगा, साथ ही आर्म सर्विसेज में भी सेवा का मौका मिलेगा। साथ ही जो भर्ती है वह सेना के तय नियम अनुसार होगी। एनुअल पैकेज की बात कर लेते हैं तो अग्निवीरों के लिए सरकार ने सेवा निधि की घोषणा की है। इसमें पहले साल युवाओं को 30,000 रुपए मासिक पे पर रखा जाएगा। ईपीएफ पीपीएफ की भी सुविधा के साथ अग्निवीर पहले साल 4,76,000 रुपए पाएंगे, साथ ही चौथे साल तक इनका वेतन 40,000 रुपए यानी कि सालाना 6,92,000 हो जाएगा। साथ ही क्या भत्ता मिलेगा इसको लेकर भी बता दें आपको कि एनुअल पैकेज के साथ आपको कुछ भत्ते भी इसमें मिलेंगे। जो अग्निवीर होंगे उनको इसमें रिस्क एंड हार्डशिप, राशन ड्रेस और ट्रेवल अलाउंस शामिल होगा। साथ ही सेवा के दौरान डिसेबल होने पर नॉन सर्विस पीरियड पर फुल पे मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि सेवा निधि को आयकर से छूट दी जाएगी। अग्निवीर ग्रेजुएटी और पेंशन संबंधी लाभ के हकदार नहीं होंगे। वहीं अग्निवीर को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी अवधि के लिए 48,00,000 रुपये और
गैर अनुसुदाय जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। साथ ही ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अग्निवीरों को राष्ट्र की सेवा की अवधि के दौरान विभिन्न सैनिक कौशल का अनुभव, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, शीर्ष नेतृत्व गुण, साहस और देश प्रेम की ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। 4 साल के इस कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा, जहां वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दे सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इन तमाम अग्निवीरों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वहीं बता दें कि 4 साल के बाद सेना भर्ती के लिए वॉलंटियर करने का मौका भी मिलेगा। अग्निवीरों को सेना 25% अग्निवीरों को रिटर्न भी करेगी जो शारीरिक रूप से सक्षम हो। हालांकि यह भी बता दें कि यह तभी संभव होगा यदि उस समय सेना में भर्तियां निकली होंगी और इसके लिए 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके होंगे। यहाँ पे आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार ने सेना भर्ती में बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके लिए अग्निपथ भर्ती योजना लॉन्च की है। इसके तहत अब सेना में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। वहीं CM शिवराज सिंह चौहान ने इसके बाद बड़ा ऐलान किया है और ऐलान में कहा है कि जो अग्निवीर होंगे उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस में दर्जा दिया जाएगा, उन्हें पहले मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल किया जाएगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मध्य प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ।